इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद एक और बयान दिया है जिसको लेकर विवाद हो गया है। पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सुना जा सकता है कि सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहाँ पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। अब उनके इस बयान पर बीजेपी को फिर से कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। वी कुड होल्ड कंट्री टुगेदर एज डाइवर्स एज इंडिया, वेयर पीपल ऑन ईस्ट लुक लाइक चाइनीज, पीपल ऑन वेस्ट लुक लाइक अरब, पीपल ऑन नॉर्थ लुक लाइक यू नो maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं? ये तो बार-बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते। राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। इस पर क्या टिप्पणी की जाए? ये हार की हताशा है। न हिंदुस्तान समझते हैं, न देश की विरासत समझते हैं। और वहीं अभिनेत्री से पॉलिटिशियन बनी कंगना रनौत का ट्वीट आया है। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीयों के लिए उनके नस्लवादी और विभाजनकारी व्यंग्य सुने, उनकी पूरी विचारधारा बांटो और राज करो के बारे में है। साथ ही भारतीयों को चीनी और अफ्रीकी कहना घृणित है, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। और एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से भी। जो ट्वीट आया है वो भी आपको हम दिखाते हैं। इसमें कहा गया है कि सैम भाई, मैं पूर्वोत्तर से हूँ और मैं भारतीय ही दिखता हूँ। हम विविधता से भरे देश में रहते हैं, हम अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। राज्यवर्धन सिंह राठौर के ट्वीट को भी हम दिखाते हैं। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, शॉकिंग, टुकड़े टुकड़े गैंग की कांग्रेस सरगना बनती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सलाहकार ने एक बार फिर अपने शर्मनाक बयान से देश के 140 करोड़ परिवारजनों का अपमान किया है। हम विविधता में एकता की संस्कृति से संपन्न एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देश की जनता को केवल बांटना चाहती है। तो यहाँ पर सैम पित्रोदा का जो बयान है उसके बाद ये तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं।